इस वीडियो में बताने जा रही हूँ आलू का कुरकुरा मजेदार और स्वादिष्ट पकौड़ा कैसे बनाया जाता है। अब देखिए आलू पकौड़ा के लिए उबाला हुआ आलू है, ये चार आलू लिए हैं। इसको जो है इस तरह से इसका पेस्ट बनाना है। अब देखिए आलू का जो है उबाला हुआ आलू का इस तरह से हम पेस्ट बना लिए हैं। इसमें जो है एक हम प्याज काटे थे और दो हरी मिर्च काटे हुए हैं, इसको जो है इसमें दे देना है। और ये थोड़ा सा जो है ना मंगरेल देना है एक चुटकी, थोड़ा सा अजवाइन देना है, एक चुटकी जीरा भी देना है और एक कटोरा जो है दिए हैं बेसन वो भी देना है। एक चम्मच जो है नमक देना है। अब देखिए आधा चम्मच जो है हल्दी पाउडर देना है। अब जो है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इस तरह से इसको मिलाना है। अब देखिए कढ़ाई जो है गर्म होने के लिए देंगे, गैस जला दिए हैं। अब देखिए कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें जो है तेल देंगे। अब देखिए तेल गर्म हो गया है, इसको जो है इस तरह से बनाना है, इस तरह से ही बनाना है। लो को कम कर देना है थोड़ा सा। अब देखिए ये पकौड़ा जो दिए थे देखिए इस तरह से भूरा होने पर कुरकुरा देखिए एकदम हो रहा है भूरा टाइप से, तब इसको पलटना है इस तरह। अब देखिए यह भूरा हो गया है, इसको इस तरह से पलटना है। देखिए यह कुरकुरा टाइप से हो गया है एकदम, दोनों तरफ से भूरा कलर का पक गया है। अब इसको इस तरह से एक एक करके निकाल लेंगे। अब देखिए यह जो है सारा ये पकौड़ा बन गया है, अब इसको इस तरह से निकाल लेंगे। आलू का कुरकुरा स्वादिष्ट मजेदार पकौड़ा बनके तैयार है। आप इसे दिवाली में नाश्ता के रूप में परोस सकते हैं। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।